be strong. हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी दो अंक की संख्या के वर्ग को कैसे हमको गणना करना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर कंडीशन ये है कि सिर्फ यहाँ हम लोग दो अंकों की संख्या के वर्ग की गणना पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे सरोसमी का, ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका उपयोग दो अंकों की संख्या के वर्ग में कैसे करना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ये आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको जानते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग दो अंकों की संख्या के वर्ग के रूप में कैसे कर सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले का उपयोग हमने यहाँ किया है, तो वर्ग का उपयोग कैसे करना है वर्ग निकालने के लिए। जैसे यहाँ 12 होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म में है यहाँ पर ए स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट ए स्क्वायर, सेकेंड में टू, ए की जगह वन, बी की जगह टू, एंड बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर टू है, तो यहाँ बी स्क्वायर। इसको हमको ध्यान रखना है, इसमें इसको हमको ए मानना है, फर्स्ट डिजिट को ए और सेकेंड डिजिट को बी मानना है। जी फर्स्ट डिजिट को वन और सेकेंड डिजिट को बी मानना है, तो यहाँ दैट मीन्स ये ए स्क्वायर, यहाँ प्लस ना लेके हम लोग ऑब्लिक ले लिए, टू इंटू ए की जगह वन है, बी की जगह टू है, एंड फिर प्लस साइन को हटा दिए, फिर ये टू स्क्वायर, इसी को हम लोग ने यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस प्लस की जगह स्लैश साइन टू ए बी एंड बी स्क्वायर। तो इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, टू स्क्वायर फोर हो गया, ये टू टू जो फोर और वन स्क्वायर इज वन, तो डेट मीन्स उसके बाद हमको स्लैश को हटा देना है, तो हमारा आंसर आ गया 144। नाउ सी द नेक्स्ट, यहाँ 14 होल स्क्वायर है, सिर्फ हमको फार्मूला याद रखना है ए स्क्वायर टू ए बी एंड बी स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट को ए मानना है, सेकेंड डिजिट को बी मानना है, वन स्क्वायर स्लैश टू ए, बी की जगह फोर हो गया, एंड स्लैश पी स्क्वायर बी स्क्वायर, देन फोर स्क्वायर इज 16, फोर टू जा एट, वन स्क्वायर वन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ एक से ज्यादा डिजिट आया तो उसको हमको कैरी कर देना है, यहाँ हमको ओनली सिक्स लिखना है, जो कैरी वन इधर हुआ तो एट प्लस वन नाइन एंड दैट इज वन, तो 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। सी द नेक्स्ट 17 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू, ए की जगह वन, बी की जगह सेवन, ये बी स्क्वायर, तो सेवन स्क्वायर इज 49, सेवन टू जब 14, वन स्क्वायर इज वन। वी राइट हियर ओनली 4 को आपको यहाँ कैरी करना है, यहाँ सिंगल डिजिट होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो उसको कैरी कर देना है, 9 आ गया, ये 14 प्लस 4, 14 प्लस 4, तो ये हमारा 18 हो गया, 18, तो 18 का 8 लिखेंगे तो 1 फिर से कैरी हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो हमारा 17 होल स्क्वायर इक्वल टू 289। सी द नेक्स्ट वन, 19 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस की जगह स्लैश लेंगे हम यहाँ, 2 ए बी एंड स्लैश बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी मीन्स 9 एंड ए मीन्स 1, 9 स्क्वायर इज 81, 2 9 जा 18 एंड 1 स्क्वायर इज 1, सो 81 का ओनली हमको यहाँ पर 1 लेना है, 8 को कैरी कर देंगे, 18 प्लस 8 26, 26 का 6 लेंगे, 2 फिर से कैरी कर देंगे, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 19 होल स्क्वायर इक्वल 361। देखो ये कितना इजी है। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन, 21 होल स्क्वायर, यहाँ एक और ए की जगह 2 लिखेंगे और बी की जगह 1 लिखेंगे, 2 स्क्वायर 2 ए बी एंड बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 2 जा 4 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ कुछ भी कैरी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 441, 21 होल स्क्वायर इक्वल टू 441। देखियो कितना इजी से कैलकुलेट हो जाता। सी द नेक्स्ट 22 होल स्क्वायर, यहाँ ए की जगह भी 2 लिखना है, बी की जगह भी 2 लिखना है, ए स्क्वायर 2 ए बी एंड बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड यहाँ 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ भी कुछ भी कैरी नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ गया 484, 22 होल स्क्वायर इक्वल टू 484। टू गेट हियर 37 होल स्क्वायर, हियर ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 7, इट मीन्स ए स्क्वायर
2a b b equal to 7 and b square 7 square 7 7 is 49 2 3 is 6 6 7 is 42 3 3 is 9 look at here यहाँ एक से ज्यादा डिजिट है तो नेक्स्ट नंबर को आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है तो यहाँ सिंपली हो गया 9 42 plus 4 46 46 का 6 लिखेंगे फिर 4 कैरी हो जाएगा 4 9 plus 4 13 तो आंसर आ गया हमारा 37 होल स्क्वायर इक्वल टू 1369 देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो जाता है देखिए आप अगर आपको प्रैक्टिस हो गया तो आप उसको ओरली एक लाइन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फोर स्क्वायर इज 16 फाइव टू जै 10 10 फोर जै 40 फाइव फाइव जै 25 यहाँ हम 6 लिख दिए 1 कैरी हो गया 41 41 का 4 1 4 कैरी हो गया 25 प्लस 4 29 सो देखिए आपका जो ट्रेडिशनल वे में अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा यहाँ कितनी आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाता है द नेक्स्ट 83 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस की जगह यहाँ स्लैश है 2ab एंड b स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 8 स्क्वायर इज 64 वी राइट हियर ओनली 9 सो यहाँ पर सिंगल डिजिट 9 का 9 हो गया 48 का हम 8 लिख दिए 4 कैरी हो जाएगा तो 64 प्लस 4 68 देखो कितनी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है हियर लास्ट क्वेश्चन 95 होल स्क्वायर ए स्क्वायर स्लैश 2 ए बी एंड बी स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 5 2 जा 10 10 9 जा 90 9 स्क्वायर इज 81 सो वी राइट हियर ओनली 5 2 कैरी हो जाएगा आपका 90 प्लस 2 92 2 लिखेंगे फिर से 9 कैरी हो जाएगा 81 प्लस 9 90 तो 95 होल स्क्वायर इक्वल टू 9025 देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कितनी आसानी से फाइंड कर सकते हैं सो हमारा ये आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए धन्यवाद